नमस्कार एवरीबॉडी, आप लोग एक्चुअली आते जाएंगे। नमस्कार एवरीबॉडी, मैं हूँ सपना खंडेलवाल, ऑथर ऑफ द अमेजॉन बेस्ट सेलर अनलीश द शक्ति विद इन, क्रिएटर ऑफ इंडिया सारी चैलेंज फेसबुक ग्रुप जिसमें आज 25,000 से भी ज़्यादा लेडीज हैं, को फाउंडर ऑफ देदीती फाउंडेशन जिसकी वजह से ये सीरीज चल रही है अपने आप को एम्पावर करने के लिए, एंड अ ज्वेलरी अ बिजनेस वुमन, आई रेनोवेट ओल्ड गोल्ड प्रेशियस ज्वेलरी जो मैं बहुत सालों से कर रही हूँ। इसके अलावा मैं 10 लोगों के घर में सिंगल किचन होम में पिछले 35 ईयर्स से रह रही हूँ, तो जो कुछ मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ मोस्टली आउट ऑफ माई ओन एक्सपीरियंसेस। मैं गीता वेद और उपनिषद का अध्ययन पिछले 27-28 सालों से कर रही हूँ, तो आई ट्राई टू गिव अ होलिस्टिक व्यू जो हमारे जीवन में जैसे होता है, जिस तरीके के गृहस्थ जीवन में हम लोग रहते हैं, क्या क्या हमारी समस्याएं हो सकती हैं, मैं बहुत कुछ पिक करती हूँ एक दूसरे से और समाज से, और क्योंकि मैं ये जीवन जी चुकी हूँ तो वही चीज़ें यहाँ पे शेयर करने की कोशिश है, और आप लोगों का फीडबैक आता रहता है और फीडबैक से मुझे पता चलता है कि क्या डायरेक्शन रखनी है ना। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जो हम लेडीज़ हमेशा फील करती हैं, चाहे हमारी शादी को साल भर हुआ हो, चाहे हमारी शादी को 45 साल, 50 साल, 60 साल, जितने मर्जी साल हो जाएं, हमारी ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होती कि मैं सब कुछ कर रही हूँ, सब कुछ करती हूँ एक एक मेंबर के लिए, इस घर के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए, सास ससुर के लिए, पूरे परिवार को जोड़ के रखती हूँ, ससुराल पक्ष को भी। आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है? आ रही है, अच्छा। ससुराल पक्ष को भी जोड़ के रखती हूँ और पीहर पक्ष को भी जोड़ के रखती हूँ, उसके बावजूद कोई भी मुझसे खुश नहीं रहता। न जाने ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि कोई मुझसे खुश रहता ही नहीं। यही है ना समस्या हम सब के, है ना? हम सब यही सोचते हैं जाने अनजाने में ऊपर से, क्योंकि जो हम सीख करते हैं अप्रिसिएशन, जो हम सीख करते हैं अप्रूवल, जो हम सीख करते हैं वो हमें मिलता नहीं, जो हम चाहते हैं वो हमें मिलता नहीं, तो हमारा ये सारा जो चाह है वो कहाँ निकलती है कि मैं सब कुछ करे चले जा रही हूँ। आपको पता है ये जो COVID-19, ये कोरोना के समय में भी जितनी भी लेडीज की प्रॉब्लम आ रही हैं वो क्या कहती हैं? द होल डे आई एम वर्किंग फ्रॉम फॉर द हाउस, नोबडी हेल्प्स मी, नोबडी अप्रिशिएट्स इट। इससे बेटर तो मैं अपने काम पे भली थी, कम से कम मैं 2 पैसे कमा के ला तो रही थी, इससे ये ना शुक्रे लोगों के लिए काम करने से तो बेटर है कि मैं घर के बाहर ही चली जाती। और क्योंकि हैबिट्स रहे नहीं एक दूसरे को झेलने की, सामंजस्य बैठाने की हैबिट ही खत्म हो गई है, तो झेल नहीं पा रही हैं लेडीज बहुत अपसेट हैं, बहुत परेशान हैं, और बहुत सारी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि डर और घबराहट तो वैसे ही फैला हुआ है ना। इन सब के बीच में से हमें अपने आप को निकालते हुए ले जाना है और उस मुकाम पे आना है जहाँ पे जो हमारा आज का टॉपिक है, जो बहुत वैल्यूएबल है, कि क्यों मुझे सब गलत समझते हैं। तो देखिए, जब मैं इस टॉपिक के बारे में सोचने बैठी, जब मैं अपने आप की ही लाइफ को एनालाइज कर रही थी, तो सबसे पहले मैंने ये पाया कि जिस निगाहों से मैं दुनिया देख रही हूँ, जो चश्मा मैंने पहन रखा है, उस चश्मे में कहीं ना कहीं ये लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं अप्रूवल और एक्सेप्टेंस माहौल की नहीं है। मैं माहौल को पूर्णतया स्वीकार नहीं कर पा रही। जैसे भी मेरी सास है तो मेरी सास ऐसी क्यों है, जैसे भी मेरी बहू है तो मेरी बहू ऐसी क्यों है, जैसा भी मेरा पति है तो मेरा पति ऐसा क्यों है। ये कॉन्स्टेंट क्यों क्यों क्यों, ये कॉन्स्टेंट हमारे अपने आप से क्वेश्चन करना, ये कॉन्स्टेंट हमें माहौल को ब्लेम करना, क्यों? क्योंकि हम माहौल को एक्सेप्ट नहीं कर पाते एज इज। तो जर्नी क्या होती है हमारी, हम जो चाहते हैं बाहर से, पहले हम वो ही बाहर को दे रहे होते हैं। पहले हम बाहर को, जब वो इतना दे लेते हैं तो बाहर से हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा भी वही मिल सकता है जो हम देते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा बाहर पे कोई कंट्रोल नहीं है। ये कोरोना के सिचुएशन में तो ये और क्लियर हो गया कि हमारा कोई कंट्रोल बाहर पे रहा ही नहीं,
नहीं रहा ना, जब हमारा कोई कंट्रोल बाहर पे नहीं है, उस बाहर पे नहीं है, हमारे वातावरण के बाहर पे नहीं है, हमारी अपने इंडिविजुअल फैमिली में भी नहीं है, तो जब बाहर नहीं है मेरा कंट्रोल, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे फोकस को बदलना पड़ेगा। मुझे फोकस, अगर मैं चाहती हूँ मेरे चेहरे पे एक अच्छा ग्लो हो, एक मुस्कुराहट हो, मैं एंथुजियाज्म और एनर्जेटिकली अपना जीवन जीऊँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे फोकस बदलना पड़ेगा। और फोकस बदल के कहाँ जाएगा? जस्ट मेरी सारा निगाहें बाहर की तरफ है। अब जैसे ही मैं फोकस बदलती हूँ तो कहाँ आ जाता है? बैक टू मी, बैक टू स्क्वायर वन, जो हम लोग रोज डिस्कस कर रहे हैं ना। आज लेडीज बड़ी वो थी, मुझे 4-5 लोगों ने मैसेज किया, सपना जी यू पिक द राइट टॉपिक, सपना आंटी आपने बिल्कुल सही टॉपिक चुना है। देखो सबको ही लग रहा था कि हम बाहर की जर्नी पे जा रहे हैं। हम बाहर बाहर की जर्नी में जो हम लोग रहते हैं ना, हम कॉन्स्टेंट विक्टिम मोड में जीते हैं। हम बेचारी मैं रह जाते हैं। बेचारी मैं क्या करूँ, मेरी तो सास ही ऐसी है। बेचारी मैं क्या करूँ, मेरे तो ससुर ऐसे हैं। बेचारी मैं क्या करूँ, मेरा पति ऐसा है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरा फला ढिमका ऐसा है। मैं तो बहुत काम करना चाहती थी, मेरा माहौल नहीं अलाउ करता। मैं तो पढ़ना लिखना चाहती हूँ, मेरा माहौल नहीं अलाउ करता। मैं ये चाहती हूँ, मैं वो चाहती हूँ, मैं ये, मैं वो, मैं ये, मैं वो, एंड कॉन्स्टेंट ब्लेम माहौल को, कॉन्स्टेंट। अगर जैसे ही हम अपने डायरेक्शन चेंज करते हैं और अगर हम में वो स्वीकार भाव आ जाता है, जो जैसा है वैसा स्वीकारने की क्षमता जिस दिन हम डेवलप कर लेते हैं, उस दिन से हमारी जर्नी बदलने लग जाती है। हमारे अंदर एक पीस, एक सुकून, एक शांति आ जाती है। हम समझ जाते हैं कि मैं मरती मर जाऊंगी, मैं बाहर को नहीं बदल सकती, मैं अपने हस्बैंड को नहीं बदल सकती, मैं अपने सास ससुर को नहीं बदल सकती, मैं अपने छोटे से बच्चे को भी नहीं बदल सकती। क्यों नहीं बदल सकती? हम सब जानते हैं, हम सब जो इस कॉल पे हैं, हम सब मानते हैं पुनर्जन्म को। हम सबको पता है अंदर से कि हमारी ये अनंत जन्मों की जर्नी चली आ रही है। इसी जर्नी में हम एक दूसरे के इक्वेशंस को, एक दूसरे के कार्मिक कनेक्शंस को, एक दूसरे के कर्मास को बैलेंस करने के लिए, लेनी देनी चुकाने के लिए पैदा होते हैं और जन्मे जाते हैं एक पर्टिकुलर घर में, और एक पर्टिकुलर घर में पहुंच जाते हैं। उस घर में जो भी मेरी सास, जो भी मेरे ससुर, जो भी मेरे पति या मेरी बहू, बेटे, जवाई, देवता, जो भी, यहाँ तक शास्त्र कहते हैं कि अगर आपका स्टाफ है, आपके फ्रेंड सर्कल हैं, आपके कुलीग्स हैं, वो सब भी डिजाइंड टू मीट थे। कहीं ना कहीं हम सबको एक दूसरे के लाइफ में रोल्स प्ले करने थे। उस रोल प्लेइंग के दरमियान हम भूल जाते हैं कि इनका तो रोल ही यही है। अगर मेरी सास जिस भी तरीके की है, जैसा भी बिहेव कर रही है, मेरी बहू जैसी भी है, जैसा भी बिहेव कर रही है, वो एक पर्टिकुलर रोल प्ले कर रही है जो उसने निश्चित किया है, या वो भी निश्चित नहीं करता बैठ के, हमारे ही कर्मों की चुकाने के लिए एक दूसरे को वो हम रोल ले लेते हैं। जब हम वो रोल लेके पैदा होते हैं और उस घर में ब्याए जाते हैं, और जब वो सामने से आता है तो हम क्वेश्चनिंग शुरू कर देते हैं। हम जितनी क्वेश्चनिंग करते जाएंगे माहौल से, ये ऐसे क्यों, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, उतना ही हमारा मन अशांत, उतनी ही हमारे मन में घबराहट, उतना ही हमें समझ नहीं आता, और हम कॉन्स्टेंट ब्लेम और कॉन्स्टेंट रिजेक्शन के एटमोस्फेयर में जीते हैं। और जितना हम माहौल को ब्लेम करते हैं, जितना हम उनको रिजेक्शन की फीलिंग देते हैं, हम क्या चाहते हैं कि मेरी सास एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करे या मेरी बहू एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करे। जब वो नहीं करती, जब वो अपने ही तरीके से चलती हैं, तो हम चाहे ऊपर से ना कहें, मन शब्दों पे ना बोलें, पर अंदर से हमारे जो मन के घुमड़ घुमड़ है ना, वो हमें उनके प्रति इतने रिजेक्शन वाले भाव देने को मजबूर कर देती है। वो कॉन्स्टेंट भाव हमसे चले गए होते हैं वहाँ, वो कॉन्स्टेंट उनको एनर्जी मिल चुकी होती है। ये उसी तरीके से है ना, जैसे SMS पहुंच जाता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। देखिए आज आप और हम जुड़ रहे हैं, हमने कभी सोचा था कि हम एक ही पर्टिकुलर कॉल पे इतने सारे लोग ऐसे ये वाले काम करेंगे? तो जब हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ सकते हैं, तो आपको क्या लगता है उस क्रिएटर ने जो थॉट बनाया, तो वो थॉट पहुंचा नहीं होगा, वो पहले ही पहुंच गया, वो जा चुका है। जिनको पहुंचना था, जिनको जाना था, जिनके प्रति आपको रिजेक्शन है, जिनके प्रति आप
में रिस्पेक्ट की भावना नहीं है वो ऑलरेडी जा चुका। ऊपर से आप जितना मर्जी बोले कि मम्मा आप ऐसे ऐसे कर लो तो ये बेटर रहेगा, या बहू को आप बताएं कि बेटा तुम ऐसे ऐसे कर लो तो ठीक रहेगा, आपके शब्द और आपके एनर्जी में टोटल कॉन्ट्रडिक्शन आ चुका है, क्योंकि अंदर से आप उनको भाव भेज चुके हो मैंने तुम्हें स्वीकार नहीं करा, तुम मेरे अनुरूप हो नहीं, तुम फला फला के जैसे क्यों नहीं हो, तुम अगर वैसे बनते तो मैं खुश रहती, मम्मी अगर तुम ऐसे करती तो मैं खुश रहती। जब मैंने कॉन्स्टेंट ये माहौल में भेजना शुरू कर दिया, पहले तो मैं ये माहौल में भेजती चली थी, दूसरे छोर पे मैंने घर का सारा काम किया, मैं एक आइडियल बहू बनी या मैं एक आइडियल सास बनी, मैंने सब कुछ करा, सारी कुछ चीजें करी, फिर मैंने देखा कि मेरे सब कुछ करने के बावजूद मुझे वहां से अच्छा भाव नहीं आ रहा, फिर मैं परेशान हुई, फिर मैंने कहा सारा दिन करती हूँ इस घर के लिए, कोई भी मुझसे खुश नहीं है, सब लोग मुझे में गलतियां ढूंढते हैं। दिस इज द आंसर। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कर्म हम सारा करते हैं पूरे घर परिवार के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने सास ससुर के लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए, पीहर वालों के लिए भी, ससुराल वालों के लिए। पर जो हमारे अंदर की कंप्लेंट्स है ना, हमारे अंदर का जो मैकेनिज्म जो हमें ब्लेम दिखाता है, हमारे अंदर जो एक चीज है ना जो कॉन्स्टेंटली जजमेंटल है, जो एक जज बनी बैठी है, वो कहती है मैं बिल्कुल ठीक, माहौल में ये ठीक नहीं, मम्मी को ऐसे करना चाहिए, मम्मी ऐसे नहीं हो, ऐसे होती तो ठीक रहता, मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं ऐसे करते तो ठीक रहता, मेरे बच्चे ये नहीं ये करते तो ठीक रहता। अब वो सब जब तक ठीक नहीं करेंगे मेरे अंदर से, तो वही भाव जाते जा रहा है, जाते ही जा रहा है, जाते ही जा रहा है। ऊपर से मैं सारा काम कर रही हूँ घर के लिए, हर मेंबर के लिए काम करती चली जा रही हूँ, कॉन्स्टेंटली काम कर रही हूँ, मम्मी की सब चीजों का ध्यान रख रही हूँ, पापा के लिए सब कुछ कर रही हूँ, हस्बैंड के लिए सब कुछ कर रही हूँ, बच्चों के लिए सब कुछ कर रही हूँ, परंतु जहां पे करना चाहिए था मुझे, मेरे अपने अंदर के विचारों पे काम मैंने वो नहीं किया। तो एनर्जी क्या कही, एनर्जी उनको डिसरिस्पेक्ट की जा चुकी है, जो मेरे शब्दों में ही नहीं है सिर्फ, परंतु मेरे व्यवहार में, मेरे बॉडी लैंग्वेज में, मेरे आचार विचार, मेरे आईज में सामने वाला जज कर लेता है, सामने वाला समझ जाता है कि किस भाव से क्या बात बोली गई है। हम भी समझ जाते हैं ना, अगर हमें कोई क्रिटिसाइज करता है सुधारने के हिसाब से प्यार से, या हमें कोई ह्यूमिलिएट करने के लिए और इंसल्ट करके क्रिटिसाइज करता है, क्या हम नहीं समझ जाते? ये कल वाले ही डिस्कशन पे हम पहुंच गए ना, हमारे पेट्स भी समझ जाते हैं हम किस भाव से बोल रहे हैं। तो जो जर्नी है ना हमारी, जब हम कहते हैं कि मैंने सब कुछ किया फिर भी मुझे माहौल गलत समझता है, वन ऑफ द रीजन इज कि हमें अपने अंदर और काम करना पड़ेगा। रोज हमारी जर्नी में यही आता जा रहा है ना, हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि जितना हमारा माहौल हमसे इजी होता है ना, उतनी हमारी ग्रोथ हो गई होती है। इट्स अ वेरी स्ट्रेट लिटमस टेस्ट। अगर हमारा माहौल फ्रिक्शन फ्री है, जहाँ पे कोई सरकैज़म नहीं है, जहाँ पे टोटल एक्सेप्टेंस है, जहाँ पे अप्रिसिएशन है, रिस्पेक्ट है, दैट मीन्स हमारे आचरण में, सोच से शुरू होके मेरे आचरण में कहीं ना कहीं चीजें अच्छी होती जा रही हैं, कहीं ना कहीं चीजें वो पजल में फिट होती जा रही हैं, कहीं ना कहीं मुझ में एक्सेप्टेंस भरती जा रही है, मुझ में जजमेंट की क्राइटेरिया, जजमेंट का चश्मा मैंने उतार के रख दिया। दिस इज द की फॉर द अदर पर्सन। तो हमें क्या करना है, काम करने में तो हम सब लेडीज बीइंग नर्चरर्स एक्सपर्ट हैं, हम करते हैं, हर एक का सोच सोच के करते हैं, हस्बैंड का भी सोचते हैं, बच्चों का भी सोचते हैं, घर परिवार का भी सोचते हैं, पीहर वालों का भी। हमें अब अपने थॉट्स पे काम करना है, हमें उन्हें स्वीकार करना है। देखिए कि जर्नी ऐसी है ना, ये गाय, और अगर हम शेर का ही एग्जांपल लेते हैं, गाय के जो वैल्यूज होती हैं, काऊ की जो वैल्यूज होती हैं, जो उसका कल्चर, जिस तरीके का ढांचा होता है, वो मरती मर जाएगी कभी भी मांस नहीं खाएगी, और शेर मरता मर जाएगा कभी घास नहीं खाएगा, कभी भी नहीं खाएगा। तो जब हम समझ जाते हैं कि सामने वाला जैसा है,
हम सब ना जैसे अब हम जैसे नॉर्थ इंडिया में रहने वाले लोग पंजाबी खाना खाते हैं या राजस्थान के लोग, परंतु अगर अभी अब हम गुजरात जाएं तो वहाँ के लोग क्या खाते हैं, हर कुछ पे मीठा खाते हैं ना, उनकी कढ़ी भी मीठी होती है, उनकी सब्जियां भी मीठी होती हैं, तो हम कहते हैं कि ये कैसे लोग हैं जो मीठा खा सकते हैं, और वो सोचते होंगे ये कैसे लोग हैं जो तीखा खा सकते हैं, परंतु हम सब जानते हैं कि ये उनका तरीका है, ये उनका फूड हैबिट्स हैं, ये उनकी ड्रेसिंग हैबिट्स हैं, तो फिजिकल में जब ये चीजें आती है ना एक दूसरे को स्वीकार करना, तो हम समझ जाते हैं, हम समझ जाते हैं कि ये उनका तरीका है, वो इसी तरीके के कपड़े पहनते हैं और इसी तरीके से उनका बोली है और उनका खाना पीना है। सिमिलरली गुजरातीज अगर होंगे वो समझ जाएंगे कि नॉर्थ इंडिया के लोग मसाला भी खाते हैं तेज, चाट पकौड़े खाते हैं, तीखा खाते हैं, खाने पीने में ड्रेसिंग में हमें समझ में आ जाता है, परंतु जब हम एक दूसरे से इक्वेशंस में आते हैं, आज प्रॉब्लम क्यों लोग फील कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के दरमियान सब लोग घर में ही हैं और जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही कह रहे हैं कि लॉकडाउन और बढ़ेगा, ये स्थिति और बढ़ेगी, मतलब कि दिन और बढ़ेंगे जब हमें इकट्ठे यूं ही रहना पड़ेगा। तो अगर हम अपने अपने मनों को नहीं संभालेंगे, अपने इक्वेशंस को ठीक नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएगी। हमें स्वीकारना होगा, हमें समझना होगा सामने वाले ऐसे ही हैं, उस परमात्मा को अगर उस कृति में कुछ बेटर करना होता ना तो वो खुद ही स्वयं कर देता, उन्होंने उसको बना के भेजा, जिसको भी आप मानते हैं, जीसस, अल्लाह को, गुरु गोबिंद सिंह को, बुद्ध को, महावीर जी को, जिसको भी आप मानते हैं, उसने उन्हें ऐसे बना के भेजा। और मेरी निगाहें सारा समय दोष देखती हैं उनमें, सारा समय मुझे उनमें गलतियां दिखती हैं, सारा समय मैं चाहती हूँ ऐसा नहीं ऐसा हो जाए, ऐसे नहीं वो ऐसे कर ले। ये जो अन्यथा का भाव है ना, इसे हमारी टीचर अन्यथा का भाव बोलती थी, ऐसे नहीं हो बट लाइक दिस, आई डोंट वॉन्ट इट टू बी दिस बट दिस, ये जो बट है या लेकिन है या अन्यथा, ये जो भाव है ना, ये ही सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट भेज देता है, यही बता देता है, भावों में चला जाता है। अब अगर हमें अपने भाव चेंज करने हो तो कैसे करें? सपोज मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ का इक्वेशन है जो बहुत कॉमन होता है, और ये इसीलिए ये इक्वेशन इतना स्ट्रॉन्ग और इतना पोटेंट है क्योंकि हमारी न जाने कितने जन्मों की यात्रा है जब हम सास बहू बन के पैदा होते हैं, माँ बेटी बन के, सास बहू बन के, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शंस है। अगर हम इसी जन्म में ठीक नहीं करेंगे ना, हम बार बार इन्हीं लोगों के साथ पैदा होते रहेंगे कॉन्स्टेंटली। अगर आपके मन में अपनी सास के प्रति कोई भी शिकायत हो तो आप ही को उसका भाव बदलना है, आप ही को समझना होगा कि ये मेरी मम्मी, मेरी सास है, इन्होंने बहुत कुछ करके इस मुकाम पे पहुंची है, इन्होंने जीवन का हर रूप देखा है, और अगर आप में इतनी क्षमता है तो जो कुछ आप उनसे सीख सकते हो सीखने की कोशिश करो, उनमें गलतियां ना निकालो, बिकॉज यू डू नॉट नो द सिचुएशन उनके जो जीवन में रहा, उन्होंने क्या क्या हार्डशिप्स देखी, उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स देखी, कैसे कैसे मुकाम से गुजर के आज वो इस मोड़ पे पहुंची है, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको, आप जब इस घर में आए हो, आपको एक बना बनाया, एक परोसी हुई थाली मिली थी, है ना। एक सेकेंड, लोग आ रहे हैं। जब हमको एक परोसी हुई थाली मिलती है ना, तो उससे पहले जितना काम उस पे गया होता है ना थाली पे, वो खाना बनाने के लिए, वो सामान इकट्ठा करने के लिए, वो सब कुछ चीजें लाने के लिए, कितनी मशक्कत तुम्हारे, आपके ससुर ने करी होगी, कितनी मशक्कत आपकी सास ने करी होगी टू पुट एवरीथिंग टुगेदर, और आपके सामने एक थाली परोसी हुई आई, जो आपको एक माहौल मिला, और उस माहौल में अगर आपको दोष दिखता है किसी भी तरीके का, मतलब आपको चश्मा अपना ठीक करना पड़ेगा, पोंछना पड़ेगा, जरूरत पड़ी तो बदलना पड़ेगा। क्यों बदलना पड़ेगा? क्योंकि जितने हम ब्लेम्स और कंप्लेंट्स माहौल में देखते हैं, उतनी हम में अशांति भरती चली जाती है। कॉन्स्टेंट अशांति में जब हम जीने लग जाते हैं, हम समझ जाते हैं कि समवेयर समथिंग इज नॉट राइट। और अशांति कैसे देखते हैं? जब हम अपने थॉट्स को एनालाइज करते हैं, और हर थॉट एक फीलिंग छोड़ता है, जब हम फीलिंग्स को एग्जामिन करते हैं कि मैं क्यों अनमनी हो रही हूँ, क्या क्या है जो मुझे विचलित कर रहा है, मैं क्यों परेशान हूँ, तब जब हम ऐसे एनालिसिस करते हैं तो फीलिंग से हम थॉट तक पहुँचते हैं, थॉट में जब हम देखते हैं तो हमें ही थॉट करेक्शन करना है। थॉट किसका है? आपका।
रोज मैं यही बात बोल रही हूँ ना, थॉट किसका है? आपका। यही थॉट आपको तंग कर रहा है, ठीक करने वाला थॉट कहाँ से लाना है? आप ही को लाना है। और कहाँ से आएगा? आपके अंदर से ही आएगा। और कैसे आएगा? जब आप अच्छा देखेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा शेयर करेंगे। दैट इज द की टू अ गुड लाइफ। और जब हम धीरे 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 अपने अंदर से ये वाइब्रेशंस सामने वाले को देने लग जाते हैं कि मामा जैसे भी हो मैंने आपको स्वीकार किया, मुझे मुझको पहली बात तो कोई हक नहीं आप में गलतियां ढूंढने का, दूसरी बात जैसे भी आपको भगवान ने बनाया आई एक्सेप्ट यू द वे यू आर। अगर एक सास एक्सेप्ट कर ले जैसी भी उसकी बहू है, जो भी सास चाहती है कि मेरी बहू ऐसे नहीं, ऐसे वैसे नहीं वैसे, जो हम कंपेयर करते हैं ना, जो हम कंपैरिजन का पुट लेके आ जाते हैं ना, उससे हम ही अशांत होते हैं। क्यों? क्योंकि ये वही चीज हो गई, मेरी बड़ी उंगली है और मैं चाहती हूँ कि वो अंगूठा बन जाए। मैं कॉन्स्टेंट जीवन भर चाहूंगी कि मेरी ये बड़ी उंगली अंगूठा बन जाए, वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो मेरी खुशी कैसे आएगी? मेरी खुशी तो इस पर डिपेंडेंट हो गई। जब मैंने अपनी खुशी इस पर बेस कर दी तो मैं खुश रह नहीं पाऊंगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये समझना होगा कि जो है जैसा है है। मुझे ना तो कोई अधिकार उनको बदलने का, ना मुझे ख्वाहिश रखनी चाहिए उनको बदलने का। क्यों? क्योंकि वो भी यही सोचते होंगे मेरे बारे में। अपना अब फोकस दूसरे के ऊपर से देखिए, अपने आप को, अपने आप को दूसरे की बॉडी में डाल दीजिए, दूसरे के दिमाग में रख के देखिए, दूसरे के जूते में अपने आप को रख के देखिए और फिर देखिए। जब हम ये कोई ऐसे देखता है ना, सडनली एक विजन आपका बदल जाएगा। क्योंकि मैं अपने आप को बहुत अच्छा समझ रही हूँ, मैं सब कुछ अच्छा करती हूँ, मैं कभी गलती करती नहीं, मैं घर को दिए चली जा रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, ये जो मैं कॉन्स्टेंटली, उसके बावजूद अगर आपको माहौल से वो अप्रिसिएशन, वो प्यार, वो सम्मान, वो चीजें नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं हमें वापस अपने आप को देखना पड़ेगा। क्यों नहीं मिल रही? क्या कमी रह गई? ऐसा कुछ नहीं है कि हम सब कुछ ठीक करते जाएं। सामने वाले भी बेवकूफ नहीं है, सामने वाले भी समझते हैं, सामने वाले भी घर में हार्मनी चाहते हैं। जितनी आप हार्मनी चाहती हैं, जितना हार्मनी के पीछे, मैंने एक बहुत सुंदर एक सुना, हार्मनी मतलब मैंने हार मानी। जितना आप घर में हार मानती चली जाएंगी ना, उतने हम विनर होते चले जाएंगे। जितना हम हार मान लेंगे, हार मान लो, अपने ही तो हैं, अपना ही तो पति है, अपने ही तो सास ससुर हैं, अपने ही तो बच्चे हैं, कहीं बाहर के तो नहीं है ना। अपने घर का माहौल को हार्मोनियस बनाने के लिए जितनी हम कॉन्फ्लिक्ट्स कम करेंगे, जितने हम द्वंद में कम पड़ेंगे, जितनी हम अपनी टॉलरेंस के पावर को, देखिए एक लेडी की लाइफ में ना ये बहुत बात बहुत क्लियर हो जाती है जब उसके उसका विवाह होता है और जब उसकी भाभी आती है। जब उसकी भाभी अपने पीहर में आती है ना, तो वो समझती है कि उसे अपने सास से कैसे बिहेव करना चाहिए, क्योंकि वहाँ उसकी भाभी अब उसकी मम्मा से ऐसे बिहेव कर रही होती है। भाई भाभी का नजरिया बदल जाता है ब्याह के बाद। तो एक जो लड़की इस घर में बहू है, वो चाहती है कि मेरी भाभी मेरी मम्मी पापा से अच्छे से बोले, तो तभी उसको अपने यहाँ पे करेक्शन कर लेनी चाहिए। उसे अपने सास ससुर से बहुत तमीज से, बहुत आदर से, ये जो हमारे कल्चर में जो मर्यादाएं बनी थी ना, ये बहुत कारणवश बनी। देयर वाज अ बिग साइंस टुवर्ड्स द होल थिंग। पूरी ये साइंस खो गई है। बहुत जरूरी थी ये मर्यादाएं, किस तरीके से बोलना, कैसे उठना, कैसे चलना, कैसे बैठना। जब बड़े घर में आ जाते हैं तो किस तरीके का आपका व्यवहार होना चाहिए। बट ये अंग्रेज, बिकॉज ऑफ वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, से ये सारी कल्चर हमारे, हम ही लोगों ने इसको अपने हाथों से खो दिया। हम ही लोगों ने कहा ये ओल्ड फैशन है, हम ही लोगों ने कहा ये रिडंडेंट है, हम ही लोगों ने कहा इसका कोई वजूद नहीं है। परंतु ये हमें हमारी संस्कृति को ना कि जोड़ के रखे हुए थी, एक कल्चर बना हुआ था कि बहू के क्या क्या मर्यादाएं हैं, सास ससुर की क्या क्या मर्यादाएं हैं, किस तरीके से आपको क्या क्या करना है। बहुत बड़ा शास्त्र था और जो निहित था। एनी वेज, वो खो चुका है। अब हमें रीबिल्ड करना है। कम से कम हम लोग अगर रीबिल्ड कर लेंगे तो हमारे बच्चे, क्योंकि बच्चे सिर्फ और सिर्फ आपका बिहेवियर देखते हैं, वो कभी आपके शब्द नहीं देखते। अगर आप अपने बड़ों से रिस्पेक्टफुली बात नहीं करेंगे, चाहे जो मर्जी कारण हो, जैसे मर्जी आपके बड़े हो, बड़े
जिस तरीके के भी बड़े आपके हों, परंतु आपको रिस्पेक्ट करनी ही है। आपको उनको अगर सुधारना भी है तो अपने मन से अच्छे वाइब्रेशंस देके, पहले उनको इज्जत इतनी देके, उनको पूरा आपको आदर से भर देना है। उसके बाद अगर आप कोई बात बोलेंगे तो आपके बड़े भी सुनेंगे। सिमिलरली अगर आपको अपनी बहू से कोई बात करवानी है, कुछ कहना है, कुछ आप चाहते हो, तो आपके बड़ों का आचरण, आप बड़े हैं तो आपका आचरण ऐसा होना चाहिए कि आपको उनको कुछ कहने की जरूरत ही ना पड़े। मैं ना अपनी मदर इन लॉ का एग्जांपल देती हूँ। मम्मी ने कभी हमें बोल के बताया ही नहीं, उन्होंने जी के दिखाया कि ऐसे जीना चाहिए। उन्होंने 35 सालों में कभी हमें नहीं टोका कि तुम कितने बजे उठ रही हो, तुम क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही हो, कभी भी नहीं। पर वो काम करते चले गए और हम सीखते चले गए। सो दिस इज द जर्नी दैट वी नीड टू बी ऑन। जितनी हम माहौल में दोष की निगाहें रखेंगे, ब्लेम की निगाहें रखेंगे, कॉन्स्टेंट अटैक मोड में हम जुएंगे, अगर हम में टॉलरेंस नहीं है और हम जितना मर्जी घर के लिए काम कर ले, लोग हमें गलत समझेंगे। इसीलिए समझेंगे क्योंकि हमसे एनर्जी उनको ठीक नहीं जा रही। हमसे बड़ों को अगर एनर्जी ठीक नहीं जाती, हमारे बच्चे वही सीखते हैं। हम अगर अपने छोटों से अच्छे से बात नहीं करते तो आपके पोता पोती देता देती वही सीखेंगे। इन्हीं को तो संस्कार कहते हैं और कुछ संस्कार नहीं है। जितनी मर्जी आप मटेरियल चीजें खरीद लीजिए, जितने मर्जी आप अपने घरों को भर लीजिए चीजों से, इट विल नॉट हैव एन इम्पैक्ट, बिकॉज इवेंचुअली योर चिल्ड्रन विल डू व्हाट यू आर डूइंग। आपके करने में और आपके सोचने में, हमारी लाइफ कब अलाइन होनी शुरू होती है? जब हम जो सोचते हैं वही हम करते हैं, वही हम देखते हैं, वही बोलते हैं, वही सुनते हैं। हम सोच कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, जाना कहीं चाहते हैं, पहुंच कहीं जाते हैं, क्यों हमारी लाइफ प्रोग्रेस नहीं होती? क्यों हम जो करना चाहते हैं हम कर नहीं पाते? क्यों हमारे जीवन में अलाइनमेंट नहीं है? क्यों नहीं है? इन्हीं चीजों से नहीं है ना। ये चीजें हमारी एनर्जी ड्रेन कर लेती हैं। ये हमें खुशी से, एनर्जेटिकली, एंथुजियास्टिकली जीने नहीं देती। हम सारे समय ब्लेम मोड में रहते हैं, सारे समय अटैक मोड में रहते हैं। सहन शक्ति एक औरत के लिए, एक गर्ल के लिए, लड़की के लिए बहुत बड़ा आभूषण बताई गई थी, पर हमने उस सहन शक्ति को सोचा कि ये क्या, कि अगर कोई मुझे कुछ भी कहे तो क्या मैं सुन लूंगी, क्या मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी। सहन शक्ति, मेरी सास जो मर्जी मुझे बोल जाए तो मैं क्या चुप रहूं? लोग सहन शक्ति को इस वे में ले जाते हैं। सहना एक शक्ति है, बट नॉट सहना सप्रेशन वाला सहना नहीं। अगर आप पे कोई अन्याय करता है तो अन्याय करना और अन्याय सहना सबसे बड़ा पाप है। अन्याय को कभी सहो मत, पर सहन शक्ति बना के रखो। अब इसमें एक छोटा सा एक इसमें वो है, सहन शक्ति का क्या मतलब है कि आप सहन करें दूसरों के संस्कार। मेरी सास जैसी भी है ये उनके संस्कार हैं, मेरे ससुर जैसे भी हैं ये उनके संस्कार हैं, मेरे पति, मेरे बच्चे, ये उनके संस्कार हैं। तो इसमें हमें सहन शक्ति बना के रखनी है। परंतु अगर कोई हमें ह्यूमिलिएट कर रहा है, अगर कोई हम पे अन्याय कर रहा है, तो वहां हमें कॉन्फ्रंट करना है, वहां पे हमें सहना नहीं है। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सहना, क्योंकि इसी पॉइंट पे फिर आप लोगों के मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे। हमें सहना, सप्रेशन वाला सहना नहीं है, हमें अपनी सहन शक्ति बना के रखनी है, पावर ऑफ टॉलरेंस। हम पहले एक ही घर में 25-25, 30-30 लोग रहते थे, हर एक को टॉलरेट करते थे, हर एक की तरीके से जीते थे। अब घर में दो दो तीन तीन लोग एडजस्ट नहीं कर पा रहे, दो दो चार चार लोग नहीं रह पा रहे, क्योंकि हमें वो पावर ऑफ कोऑपरेशन, वो पावर ऑफ टॉलरेंस, वो चीजें खत्म हो गई। और जैसे अगर हम 6 महीने साल भर एक्सरसाइज नहीं करते, तो जब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो हमारी बॉडी नहीं झेल पाती ना। सिमिलरली ये वैल्यूज हैं, अगर आप इनको एक्सरसाइज नहीं करेंगे ये खत्म होती चली जाएंगी। जब मोबाइल्स नहीं थे हमें 100-100 नंबर्स याद रहते थे, अब जब से मोबाइल आ गए हमें 2 या 4 नंबर भी याद नहीं रहते। क्यों? क्योंकि हमारी वो पावर ऑफ मेमोरी खत्म हो चुकी है, हमारी वो पावर खत्म हो गई। इसी तरीके से हमें जो टॉलरेंस की पावर है, अगर हम उसे यूज नहीं करेंगे वो भी खत्म हो जाएगी। जो सहन शक्ति जो हमें जगानी है अपने अंदर से, अगर वो हम यूज नहीं करेंगे
वो भी खत्म हो जाएगी. पावर ऑफ कोऑपरेशन है, दूसरे को एकोमोडेट करना, उनसे एडजस्ट करना, जैसे भी है मैं आपके साथ एडजस्ट करके चलूंगी, मैं जीऊंगी जैसा आप लोग चाहें. क्या फर्क पड़ता है, जैसा बड़े चाहें. मैं अपने दोनों बेटियों को, और इनफैक्ट मैंने अपने दोनों बहुओं को भी बताया, मैं कहा बेटा 5-10 साल जैसा बड़े चाहते हैं वैसे जी लो, जीवन भर आप अपने तरीके से जी सकते हैं. तो ये एडजस्टमेंट की कला, ये मेरी मॉम ने मुझे सिखाई थी कि बच्चे एडजस्ट करके चलो, एडजस्ट करके जहाँ हम जितनी हार्मनी रखते हैं ना माहौल में, उतना हमें माहौल अलाउ करता है ग्रो करने के लिए. जितना हम फ्रिक्शन पैदा करते हैं, जितना हम दोष देखते हैं, जितना हम ब्लेम करते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं, उतना माहौल में, क्योंकि माहौल में फ्रिक्शन इतना भर जाता है, तो ना वो ग्रो कर पाते हैं, ना हम ग्रो कर पाते हैं, ना हमारे बच्चों को अच्छा माहौल मिलता है जो हम देना चाहते हैं, जो रुपये पैसे से नहीं आ सकता. तो इसी तरीके से हमें जीवन जीना पड़ता है ऑफ एक्सेप्टेंस एंड अप्रूवल. एट द एंड ऑफ द डे आप खुद अपने लिए क्या चाहते हो वो आपको देना चाहिए. ये क्लियर एग्जाम्पल है जो हम जीवन में अपने लिए चाहते हैं हमें मानने से नहीं मिलता. हम ऐसे किसी के सामने हाथ खड़े हो जाएंगे, सामने वाला पहले ही हाथ फैलाए खड़ा है, सामने वाले के पास वो चीज है ही नहीं, वो तो वो कैसे मिलेगी. जब हम देना शुरू कर देते हैं उस देने में ही लेना आ जाता है. जब हम फूल देते हैं तो फूल खुशबू छोड़ता ही है, है ना. तो ये स्मॉल स्मॉल एग्जाम्पल्स हैं, परंतु ये मेरे आजमाए हुए एग्जाम्पल्स हैं. आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस शुरू से. तो देखिए मैं भी बहुत छोटी इस घर में आई थी, सीखती गई, करती गई, अपने आप को मॉडिफाई करती गई, चेंजेस लाती गई. हम सब जर्नी इन प्रोग्रेस है, हम सब को एक दूसरे से सीखना होता है, समझना होता है. हम सब की जर्नी ऑफ लाइफ ऐसे ही निकलती है, गलतियां हमसे होती हैं, परंतु हमें अपने आप को क्षमा करके, अपने आप से प्रॉमिस करके कि आइंदा मैं वो गलती नहीं करूँगी, मम्मा या पापा कॉन्फ्रंटेशन मोड में नहीं रहेंगे, और ये सारी बातें ना हमें अपने बड़ों को कहनी नहीं होती, हमें अपने मन से महसूस करनी होती है, और हमें उन्हें फीलिंग ऑफ आदर, फीलिंग ऑफ लव, फीलिंग ऑफ अप्रिसिएशन एंड अ फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस. जैसे भी हैं आप, मुझे स्वीकार हो, जैसे भी हैं आप, जिस भी तरीके में हैं. और जब हम स्वीकार कर लेते हैं ना, मेरी मम्मी ना मुझे हमेशा कहती थी, क्योंकि मेरी हम सबके हर तरीके के रिश्तेदार होते हैं, तो जनरली लोग क्या करते हैं, जो बहुत हाई फाई रिश्तेदार होते हैं ना, या बहुत लुक्स में या बहुत पैसों में, उनको तो सब अपने पास रखते हैं और उनको सबके सामने फ्लॉन्ट करना चाहते हैं. और जो रिश्तेदार आपके थोड़े लो तबके के होते हैं, या लुक्स में या पैसे से या स्टेटस से, उनको आप सामने नहीं लाते. तो मम्मी हमेशा उल्टा करती थी, मेरे पेरेंट्स दोनों हमेशा, मेरे पेरेंट्स ऐसे लोगों को पहले सामने सबसे मिलवाते थे कि ये देखिए ये मेरी बहन है या मेरे भाई है या मेरे वो है. जितनी हम इज्जत देंगे जिनके पास नहीं है उनको, जिनके पास है उनको तो ऑलरेडी सब दे रहे हैं, है ना. इसी में शो करता है कि आपका कैरेक्टर क्या है, आपकी अपब्रिंगिंग क्या है, किस तरीके की लाइफ आप लीड करना चाहते हैं. जब हम दूसरों को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, सामने वाले से भी हमें वही आता है, फिर माहौल हमें गलतियां नहीं देखता. आज का जो टॉपिक है वो यही है ना, हम किसी को कनपटी पे बंदूक रह के नहीं कह सकते कि देखो मैं बहुत काम कर रही हूँ, खबरदार जो तुमने कहा मैं नहीं करती, हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है. हम सिर्फ चाह सकते हैं और सिर्फ कर्म ऐसा कर सकते हैं कि हमें वहां से दुआएं मिले, हमें वहां से अप्रिसिएशन मिले, अपने काम करते हुए, अब मुस्कुराते हुए, कटाक्ष ना करते हुए, क्रिटिसाइज ना करते हुए, और सामने से सब कुछ आएगा, सब कुछ बरसेगा. आप पे ओले भी पड़ेंगे, आप पे बारिश भी आएगी, आप पे क्रोध की अग्नि भी आएगी, सब कुछ आएगा, पर वो उनका काम है. हमारा काम है स्थिर रहना, हमारा काम है अडिग रहना, हमारा काम है अपना कर्म और अपनी अच्छाई नहीं छोड़ना. क्यों? क्योंकि मैं चेहरे पे ग्लो चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं हंसती रहूँ, मैं मुस्कुराती रहूँ, मैं इसी माहौल से निकल के कुछ ऐसा करूँ अपने जीवन के साथ कि हाँ सबको लगे कि इसमें भी मैं दे पाऊँ, कुछ समर्पण कर पाऊँ. जब हम अपनी लाइफ की डायरेक्शन मोड़ देते हैं ना, तो हमारा घर परिवार भी समझ जाता है कि ये कॉन्फ्रंट नहीं कर रही, ये ब्लेम नहीं कर रही, ये अटैक मोड में नहीं है, ये ईजी हो गई है. और जब हम अंदर से ईजी हो जाते हैं ना, तो हमें गलतियां दिखती नहीं,
हमें गलतियां मिलती है या नहीं वो मुझे नहीं पता, पर हमें दिखती नहीं क्योंकि हमने ही वो चश्मा उतार दिया ना। जब मैंने काला चश्मा पहना ही नहीं है तो मुझे दुनिया काली दिखेगी कैसे? तो ये धीरे 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 भाव अब जितने हमारे बदले, मैं बदली तो जग बदला, ये वही कहानी है। पर और माहौल होता है जैसा हम चाहते हैं एग्जैक्टली वैसा ही बनता है, परंतु हमारे चाहने से नहीं, हमारी अच्छी वाइब्रेशन देने से, हमारे स्वीकार भाव से, हमारे उनमें दोष ना देखने से माहौल जैसा हम चाहते हैं एग्जैक्टली वैसा ही बन जाता है। पर इसमें समय जरूर लगता है। उस समय में हमें एक स्थिरता के साथ, एक कन्विक्शन के साथ, एक डेडिकेशन के साथ, एक डिटर्मिनेशन के साथ हमें काम करते रहना पड़ता है। जैसे कि सपोज मैंने ये सोचा होता, ये सेशंस मैंने एक कर लिया तो मैंने फिर दोबारा लिया ही नहीं, तो आज हम 18वें सेशन पे नहीं होते, है ना। इसी तरीके से जब आप लोग अपने मन में दृढ़ धारणा कर लें कि मुझे अपने वैल्यूज नहीं छोड़ने, मुझे यूं रहना है, मुझे किसी में दोष नहीं देखने, मुझे अप्रिशिएट करते जाना है, मुझे रिस्पेक्ट करनी है, मुझे एक्सेप्ट करना है, तो मजाले माहौल कुछ कर जाएगा। ये आपकी जर्नी है, जितना आप करते जाओगे उतना आपको मिलता जाएगा। और अगर आप एक दिन करोगे और पूरे साल नहीं करोगे, आपका खोएगा, किसी का नहीं खोएगा, आप ही का खोएगा। आप ही की जर्नी है, आप ही को करना है, आप ही का थॉट है। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग एवरीबडी, इन सेशंस पे भी डिपेंडेंट नहीं होना है। मेरी टीचर हमें ऐसे ही ट्रेन करती थी कि किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होना है, हम सब हर चीज जानते हैं, हम सबके अंदर उतनी नॉलेज है, हम सबको अपने ही अंदर से वो नॉलेज जगानी है, वो शक्ति को अनलीश करना है और अपने जीवन को जीना है ढंग से, है ना। ये हम सबको ही करना है, बाहर से नहीं आएगा। ये कुछ समय के सेशंस हैं, इस पे डिपेंडेंट बिल्कुल मत होइएगा क्योंकि मुझ पे बहुत कर्म लगते चले जाएंगे। अगर सब लोग डिपेंडेंट प्लीज मत होइए, हम सबको सब कुछ पता है, है ना। ये तो सिर्फ हेल्प करने के लिए एक दूसरे की हम ये सेशंस कर रहे हैं, कुछ समय के लिए ये चलेंगे, ठीक है ना। तो अब मैं सेशन खोलती हूँ क्योंकि वी हैव स्पोकन इनफ अबाउट एक्सेप्टेंस। गलती जो माहौल हमने देखता है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा है जो यहाँ से जा रहा है, तो जो माहौल गलती देखे या नहीं उस पर मेरा रोल नहीं है। इसको ठीक करना, इस फोकस को बदलना, ये मेरे हाथ में है और ये ही मेरी जर्नी है जिसपे मुझे चलना, ठीक है जी। तो मैं ये सेशन खोलती हूँ 4:40। हाँ जी बताइए किसको क्या कहना है, हाथ ऊपर करिए। अच्छा कुछ खोल, पूनम जी खोल रही हूँ। हाँ जी पूनम जी। हाँ जी पूनम। मैंने सोचा कि हम लोग कहते हैं कि हम सब काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं, मगर हमें कोई अप्रिसिएशन नहीं करता। पर हमारी एक गलती, आपने कहा अपने मन में सोचो कि आप कहाँ गलत हो। हमें अपने को सुधारना होगा, हमें अपने माइंड को ब्रॉड बनाना होगा कि ये हम ही मैं हमारे में नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। आपके ये वर्डिंग बहुत अच्छे लगे। हमें अपने ही विचारों को बड़ा करना होगा और देखना होगा कि हम कहाँ गलत हैं, जो घर में जो ये गलत हो रहा है ये क्यों हो रहा है। हमें अपने ही को सुधारना होगा, हमारी कहाँ गलतियां हैं, हमें अपने को ही ठीक करना है, अपने दोषों को समझना चाहिए कि हम कहाँ गलत हैं। बहुत अच्छा बोला आपने पूनम जी। आप बिल्कुल रिकैप्चुलेट कर लेते हैं और आप टेक अवे पॉइंट्स बना लेते हैं और उन्हीं टेक अवे पॉइंट्स पे हम सबको काम करना है। देखिए 40 मिनट्स का सेशन किसी को याद नहीं रहता, हमें फिर कल का तो बिल्कुल ही भूल जाता है। तो अपने लिए 2 या 3-4 पॉइंट्स बनाने लेने चाहिए और उन्हीं को 24 घंटे अप्लाई करना चाहिए, है ना पूनम जी। वेल सेड, बहुत अच्छा बोला आपने। हाँ जी कंचन, आप बहुत मुझे लिख लिख के भेज रही हैं, कुछ कुछ कर रही हैं, एंड मैं आपको सॉरी कोई दिक्कत नहीं, आई अप्रिशिएट इट, आई रिस्पेक्ट इट कंचन। मैं एक बात बोलूँ कंचन और सब बोलना चाहती हूँ कि हमें सबसे पहले अपनी मातृभाषा पे गौरव होना चाहिए, हमें हिंदी गर्व होना चाहिए, हमें कम्युनिकेशन करनी है इफेक्टिव। लैंग्वेज का कोई रोल नहीं है, लैंग्वेज इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, जापानीज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या भाव, मेरी सोच क्या है, मेरे भाव क्या है और कितनी सक्षमता से मैं वो कह पा रही हूँ, मेरी कम्युनिकेशन का मोड क्या है, That is the only thing। और जब हम इसे कॉन्फिडेंस से पकड़ लेते हैं इस चीज को, कोई फर्क नहीं पड़ता इंग्लिश नहीं आती है, भाड़ में गई इंग्लिश, कोई मोल नहीं है,
अंग्रेजों इंग्लैंड में ही रह के अंग्रेज ढंग की इंग्लिश नहीं बोलते, ये कॉलोनाइजेशन से इन लिए लोग हम पे थोप गए और हमारे बड़ों ने चार पांच पुश्तों में ऐसा हो गया, ये कल्चर बन चुका कि जिनको इंग्लिश आती है आपको फन्ने खां समझते हैं, जिनको नहीं आती वो यूं हो जाते हैं। और बिल्कुल मत होइए, बिल्कुल भी इस थॉट को अपने यहाँ से निकाल दीजिए, आप सब हो ना। जैसे मैंने थोड़ा माइंड में मेरे आया कि लाइफ में जब भी मेरे को प्रॉब्लम होती थी ना सिर्फ इंग्लिश की होती थी, मैं बड़ी सोसाइटीज में ना पीछे पीछे रहती थी। जब से मैंने ये इंडिया साड़ी चैलेंज ज्वाइन किया है, दो चार मैंने वेडिंग पुलाव और पार्टीज आपकी अटेंड करी है ना, मेरे अंदर धीरे धीरे पावर आई, मैं आप लोगों के साथ आई, आगे फोटो सेशन कराया, सब किया, फिर भी ना हल्की सी कसक सी रहती थी मन में कि मैं इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोलती तो मैं थोड़ा पीछे ही रहूं, मैं इन लोगों के बीच में ना आऊं, हमेशा रहता था मेरे को। तो फिर आज सुबह मेरे को भगवान ने प्रेरणा दी कि मैंने धर्म युद्ध में जब युद्ध हो रहा था तो मैंने संस्कृत और हिंदी में ही सारथी बनी थी। भगवान कृष्ण ने मुझे बोला कि अर्जुन का सारथी जब मैं बना था तो मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, मैं हिंदी और संस्कृत ही बोल के मैंने उस युद्ध को जीता और अर्जुन ने मेरा वो सब कहा माना जो मैंने बोला था। तो अब मैंने अपने भगवान को सारथी बनाया है और मैं इस मुकाम तक अब पहुंचूंगी, जो मेरे अरमान लाइफ में रह गए थे, मैं इंग्लिश के बिना आगे नहीं बढ़ सकती, अब मुझे लग रहा है मैं हिंदी के ही अपनी मातृभाषा के बबलते में जीवन में आगे बढ़ूंगी। और जो मैंने कभी नहीं किया और रोती रहती थी, हर समय बोलती थी बच्चों को ये लाइन लिख दो, इंडिया साड़ी चैलेंज में ये लिख दो वो लिख दो, आज मैंने इतने कॉन्फिडेंस से उसमें चार लाइनें हिंदी में लिखी हैं और अपनी फोटो डाली है, ऐसे लग रहा है मेरे को अपने रास्ता मिल गया, मुझे मंजिल मिल गई बस। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और हम सब आपके साथ इस जर्नी में शामिल हैं। हम अपनी भाषा से डिफाइन नहीं होते, हम हमारी सोच क्या है, हमें सोच कम्युनिकेट करने की कितनी कला है, बस वो ही है। ठीक है कंचन, बिल्कुल भी मत घबराइए, बहुत सक्षम, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी लेडी है, एंड कीप इट अप। हाँ जी, अब रेणु जी। हाँ जी रेणु जी, कर रही हूँ अनम्यूट। क्यों नहीं हो रहा, कई बार होता है। हाँ जी, हो गया, बोलिए रेणु जी। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, आज का टॉपिक खैर मुझे बहुत अच्छा लगा है तुम्हारा, लेकिन मैं शायद ब्लेस्ड हूँ कुछ गॉड की तरफ से कि मेरे को तो बहुत एप्रिशिएशन मिलती है एवरीवेयर, बच्चों से, अपने ससुराल से। आई थिंक अगर नीरू सुन रही होगी तो नीरू को भी पता है कि बहुत ज्यादा चारों तरफ से एप्रिशिएशन मिलती है, तो इसलिए मेरे को इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। और कुछ प्रॉब्लम ना रेणु जी, हम सब लेडीज की एक एज के साथ ठहराव और आता चला जाता है, समझ आ जाती है। पर इस सेशन में सपना, मैं यंग बच्चों को एक बात बताना चाहूंगी जो तुमने कहा, मेरी मम्मी ने भी यही बोला था कि बेटा खाली बड़ों की इज्जत करना, छोटे छोटे देवर थे मेरे, और उनकी सेवा करना बिल्कुल अपने को, क्योंकि मैं साउथ दिल्ली की थी, वो लोग वेस्ट दिल्ली थे, कल्चर में बहुत फर्क था, जैसे तुम्हारा बॉम्बे दिल्ली में था। लेकिन कभी मैंने इस चीज की शर्म नहीं करी कि मैं साउथ दिल्ली में पली बड़ी हूँ और उन लोगों को नहीं आता कुछ, थोड़ा इंग्लिश हिंदी पढ़ाई का भी बहुत फर्क था। तो शायद ये सब चीजें जो एक मदर सिखाती है ना, वो बहुत ज्यादा हमारे जहन में आती रहती है। तो कभी मैंने अपने अपने को बहुत डाउन करके ही सबको करा है, तो ये चीज मैं यंग बच्चों को भी बताना चाहूंगी कि हमें कभी अहम नहीं करना बस। बिल्कुल, और अपने बुजुर्ग जैसे भी हैं उनका सम्मान करना है, वो ही सम्मान करना है बहुत ज्यादा। हाँ, और उनके बच्चे भी वही सम्मान करेंगे, अपने दादी बाबा का, नानी नानू का, जब वो करेंगे, क्योंकि वो भूल जाते हैं बच्चे हमारे, या हम भूल जाते थे कि हमें भी वही दादी बाबा नानी नाना बनना है। बहुत जल्दी समय बीत जाता है, जब आज जिस अभी बच्चे कहने लगे कि आप दादी की तरह बिहेव करते हो, यू नो मेरी उम्र में तो अभी यहाँ कोई भी नहीं है, आई थिंक आई एम द एल्डेस्ट, लेकिन मेरे बच्चे बोलने लगे आप बिल्कुल अपनी सास की तरह बिहेव करने लगे हो। बच्चे भूल जाते हैं, हम भूल जाते थे कि हम बड़े होंगे, और जब हम मैं बहू बन के इस घर में आई थी, आज मैं सास हूँ, तो वही जो सीरियल है ना, सास भी कभी बहू थी। बिल्कुल ठीक कह रही हो, वो याद आता है। हाँ जी, अब मैं खोल रही हूँ, कौन बात करना चाहता है, किसका हैंड रेस था? अंजू, अंजू आप कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ जी अंजू बोलिए, आपको अनम्यूट कर दिया मैंने। अंजू
बोलो, नहीं आ रही आपकी आवाज, कल भी नहीं आ रही थी, मुझे नहीं पता क्यों नहीं आ रही है। हाँ जी उषा आप बोलो जब तक। उषा हाँ जी, बहुत अच्छा लगा सपना जी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और शायद अपब्रिंगिंग ऐसी है कि मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूँ, हर माहौल में हर जगह आई कैन एडजस्ट, और जजमेंटल और कंपैरिजन वाली नेचर भी नहीं है, तो आई एम ब्लेस्ड। हाँ, और दूसरी चीज, मैं प्यार से शायद अपने ससुराल वालों से अपनी हर चीज अपने हिसाब से मैंने डाइवर्ट कर लिया जहां भी मुझे लगा, और इस चीज को मेरी दादी सास कहती थी कि ये तो गर्दन पे लटक के अपना अपनी बात करवा लेती है, सारी बात मनवा लेती है। चलिए बहुत अच्छा है उषा जी। अच्छा लक्ष्मी मामी जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी लक्ष्मी, लक्ष्मी जी हाँ जी बोलिए। भाभी नमस्ते। भाभी नमस्ते। नमस्ते। आज मम्मी की बहुत बातें हो रही है, सब अपनी अपनी मम्मी की बात बोल रहे, तो मैं भी एक बात बोलना चाहूंगी। हाजिर। ऐसा सिखाती थी आपके जो सारी बात थी उसमें एक बात बहुत अच्छी लगी, जो मम्मी को सिखाती थी कि थोड़ा जोर से बेटा आपका वर्तन बात करेगा, आपको कुछ कहने की और किसी से आशा रखने की जरूरत नहीं, आप जो करोगे एटला सब लोग समझ जाएंगे और आपको अप्रिशिएट अपने आप करेंगे, राइट। तो आज आपकी बात में वही बात थी कि हम किसी को बदल नहीं सकते, स्वीकार भाव रखो, हमें अपना जो रोल मिला उसको निभाना है, कौन करो फल की इच्छा मत रखो, रेस्पेक्ट ऑल लेकिन किंतु परंतु सब छोड़ दो, डोंट कंपेयर एनीथिंग। तो ये सब मुझे वही बात वापस याद दिलाते आपने जो बात बोली, बिल्कुल तरोताजा हो गई कि सच में ये बात बिल्कुल अगर कोई अप्लाई कर ले तो बहुत अच्छा बन सकता है, फिर किसी से कुछ भी डिमांड करने की जरूरत नहीं, सब अपने आप मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, और हमें यही सिखाते थे ना कि नम्र व्यवहार, मीठी मुस्कुराहट और काम करने की ललक, किसी को चाम प्यारा नहीं हो तो सबको काम प्यारा होता है ना, तो वही बातें हैं। तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छा बोला मामी जी, लक्ष्मी जी। और अच्छा अब इस कॉल पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉल है, आज मेरी बुआ सास, उनकी बेटी और उनकी बहू तीनों इकट्ठी हैं, हैं बुआ जी भी है, उनकी बहू भी और उनकी बेटी भी है। चलिए हम एक एक से बात करते हैं। बुआ जी नमस्ते। बुआ जी हाँ। बुआ जी राम राम। राम राम। हाँ जी कैसे हैं आप? ठीक हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा बोली, बहुत अच्छा बोली, सुनने में बहुत ही अच्छा लगा। मैं अवेयर थी कि मेरी सास भी सेशन में है, तो मैंने सासों के प्रति भी बोल दिया, मैंने बहुओं के प्रति ठीक है ना बुआ जी? तो हाँ जी, और कुछ कहना है बुआ जी आपको? अब आप रोज सेशन में जुड़ा करिए बुआ जी। सब बहुत अच्छा बोल रहे हैं, हम सब कोशिश कर रहे हैं, इस प्रयास में हैं कि अपना जीवन सुधार सकें, इसी प्रयास में हैं कि अच्छे से ये मन की बातें बाहर सामने आ रही है। हाँ जी, ये लॉकडाउन पीरियड है, इसमें हम अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकें, इसको यूज कर सकें। यूजुअली ये पीरियड तो निकल जाएगा, इसको हमने यूज करा या गंवा दिया, इसी में हमारी जर्नी ऑफ लाइफ। अगर आज से साल भर बाद, 6 महीने बाद हम याद करें कि हाँ एक वो पीरियड आया था जब मैंने हर कुछ अपने जीवन का संभाल लिया, रिश्ते भी ठीक कर लिए, अपना सब कुछ ठीक कर लिया, वो कैसे ठीक होगा जब हम अपना माहौल ठीक करते चले जाएंगे, है ना बुआ जी? तो ये वही जर्नी है। और गेट वेल सून बुआ जी, मेरी बुआ सास का गिर गई थी तो अभी बेड पे हैं, लतिका की मदर इन लॉ है, मैं बता। हाँ जी लतिका, कुछ कहना चाहती हैं आप? हाँ लतिका। हाँ हाँ जी, बस बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा, बढ़िया लग रहा है। अच्छा चलिए, अनिला, अनिला इनकी बेटी है, तो लतिका बहू है, अनिला बेटी है और बुआ जी आई है। हाँ जी अनिला। हाँ जी कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगा तुम्हारा ये कहना कि अपने आप को एडजस्ट करो और लोगों की जो बातें हैं उनको अप्रिशिएट करते हुए स्वीकार करो, क्योंकि हमारे बच्चे नहीं समझेंगे और हमें उनको स्वीकार करना पड़ेगा और खुशी से एक्सपेक्ट करना पड़ेगा उनको। बिल्कुल, तभी मुस्कुरा सकते हो, अच्छा ग्लो करेगा चेहरे पे, है ना? हम सबको ग्लो चाहिए ना, तो हमें ग्लो के लिए ये सब करना पड़ता है। ग्लो हमें ऐसे नहीं मिल सकता लोगों से किलस किलस के, मेरी सास ऐसी क्यों है, मेरी बहू ऐसी क्यों है, मेरे बच्चे ऐसे क्यों, छोड़ दो, जो जैसा है भगवान ने बनाया बहुत अच्छा। विनीता जी मैं आपको, और मम्मी को जरूर ले लिया करो रोज। मैं तो मम्मी, मैं उनको भेज दूंगी, मैंने लतिका को भी बोला था आज उनको हेल्प कर देना, तो हाँ बिल्कुल लेंगे। हाँ जी विनीता जी।
आज तो मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने थे लेकिन सबका धीरे धीरे आंसर मिलता ही चला गया आपका सेशन पूरा सुन करके. और मुझे अपने बच्चों को सिखाना है बस यही चीज. सब हमारी तो लाइफ निकल गई लेकिन अब आगे बच्चों को सिखानी है. तो पता है क्या होता है गीता जी, हमें किसी को सिखाना नहीं होता, हमें सिर्फ वो जीवन जीना होता है. बच्चे अपने आप सीख जाते हैं, बच्चे कभी हमारे कहने से है ना. जब हम बेटी मेरे पास अपनी को सिखाना है बस, जब हम सबसे सिखाती है कई दफा, जब हम वो जीवन जिएंगे ना बच्चे अपने आप सीख जाते हैं. कुछ नहीं कहना पड़ता, बच्चे सीख जाते हैं. बच्चे बहुत स्मार्ट है हमारे, हमें लगता है बच्चों को नहीं पता बच्चे बहुत स्मार्ट. हाँ जी, हमारी सुपर्णा, सुपर्णा यू देयर और यू लेफ्ट? सुपर्णा अंजू आप सेशन पे है? अंजू है पर अंजू का मुझे नहीं पता, अंजू ने शायद कनेक्ट ही नहीं किया वीडियो से. पारुल, हाँ जी पारुल बताइए. थैंक यू मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं एक मिनट पारुल, एक मिनट सॉरी, आप अनम्यूट. आप दोबारा बोलो. आज का टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं ना अपने फोन पे ये कहती हूँ कि मम्मा मैं सब कुछ इतना करती हूँ फिर भी मुझे वो नहीं मिलता. तो मम्मी कहती है कोई बात नहीं, हमें देख हमने 30 साल कितना झेला है. और मम्मी ये सिखाती है कि जैसे मैं रही हूँ सबका टाइम आएगा, आपका भी टाइम आएगा, तो इसलिए जैसा सब कहते हैं ऐसा करो, सबके लिए अच्छे बनो. बिल्कुल मम्मा ने बिल्कुल ठीक समझाया. पर एक बात मैं बताता हूँ, मुझे एक सेकंड, किसके यहाँ से आवाज आ रही है? जो मम्मा ने बताया उसमें एक बात और ऐड करती हूँ. करो जैसे सब कहते हैं पर अपने अंदर समझ के साथ करो, उसको सप्रेशन मत बनाओ. जो हम सप्रेशन बना के करते हैं ना कि मुझे तो करना ही पड़ेगा, और जो मन से गलत भाव निकलता है ना उसी से हम बीमार पड़ते हैं और हमारे माहौल में उस काम की वैल्यू नहीं होती और तभी हमें लोग गलत समझते हैं. तो मम्मी ने बिल्कुल ठीक समझाया पर वो एक पार्ट है. जो दूसरा पार्ट है जिसमें आपको अपने ऊपर काम करना है, हम वो नहीं करते. हमारी माएँ भी नहीं करती थी, वो घुटती रहती थी अंदर से, वो चुप रहती थी, सारे घर का काम करती थी और घुट घुट के घुट घुट के फिर वो जैसा गुबार निकलता था ना उस दिन डैडी भी यूं हो जाते थे. तो हमें उस मोड पे नहीं जाना है पारुल, समझ रहे हो मैं क्या कह नहीं उस मोड मतलब मम्मी समझाती है, मैंने खुद देखा है मम्मी को. मेरी दो दो चाचियां आई है मेरे सामने, मम्मी मतलब उनके सामने खुद इतना काम करती थी. मम्मी कहती कोई बात नहीं है तभी तो सीखेंगी जब मैं करूंगी, मैं बड़ी हूँ. तो मम्मी सारा घर खुद हैंडल करती थी. अब वही मम्मी बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल मम्मा जैसे कहते हैं. ये जो रही है, हाँ, ये जो सहन शक्ति है ना यही तो है, जो पावर ऑफ टॉलरेंस, पावर ऑफ कोऑपरेशन, पावर ऑफ एडजस्टमेंट, यही तो है. जो पहले 5-5, 7-7 दरानी छाने रहती थी, इकट्ठे जीती थी, तभी तो होता था वो, है ना. तो मम्मा और जब मेरी मम्मी अलग हुई तो किसी को पता भी नहीं चला कि वो अलग हो गई, क्योंकि वो तब भी साथ ही रहते थे एक ही घर में, किसी को पता ही नहीं था कि अलग भी हो गए. बिल्कुल बिल्कुल. हम मैं जिस घर में ब्याही आई थी वैसे ही था. मेरी सास 5 दरानी जेठानी थी और मम्मी सबसे बड़ी थी. तो मुझे जब मेरी शादी इस घर में हुई मुझे नहीं पता था मेरी सास कौन सी है, क्योंकि हमारे चाचा जी और एक चाचा जी काम करते थे, उन्हीं का सबको पता था, पता ही नहीं था कि सास ये है. तो ऐसे भी घर परिवार रहते थे, अभी वो घर में इकट्ठा है. पर जब से ये न्यूक्लियर फैमिली बढ़ते गए तो हमें अब 2 लोगों के साथ भी एडजस्टमेंट की पावर खत्म हो गई. तो हमें वापस वो लाना है समझ के साथ, रिप्रेशन नहीं सप्रेशन. मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तू तो अपनी मम्मी से क्यों नहीं सीखती है सब बातें, उन्होंने कितना अच्छे से करा है. जाओगी पारुल, तुम में सीखने की लगन है, तुम जुड़ रही हो. हम सब माँ के पेट से तो नहीं सीख के आते, कुछ माँ सिखाती रहती है फिर कुछ हम सीखते हैं. मैं रेनू जी आपको अनम्यूट कर रही हूँ. हाँ जी रेनू जी, कुछ कहना चाह रही हैं आप? मैं बस यही बात बताना चाहती हूँ तुम्हें, सिर्फ खाली पारुल की मम्मी की बात बताना चाहती हूँ. पारुल की मम्मी मेरे सगे चाचा जी की बेटी है. अच्छा. और मतलब उसके जैसी लड़की नहीं हो सकती, तो पारुल अपनी मम्मी से तो सीख ही रही है. पर देखो कितनी अच्छी बात है, मेरे कहने पे जो उसको डाउट्स थे, कई बार ना मदर की बात समझ नहीं आती ना. तो मैं पारुल से कह रही थी, मैंने कहा तू अपनी मम्मी को और मौसी को छोड़, अब सपना मासी को पकड़ ले. तो मैं आई एम रियली हैप्पी एंड थैंकफुल टू यू सपना,
कि पारुल की ये प्रॉब्लम दूर होती जा रही है, हम सब निमित्त बन जाते हैं। और इसकी मम्मी वाकई एक एग्जांपल है सपना, इसकी मम्मी मतलब वो हमारे यहाँ राखी ठीके पे नहीं आती है, हमारी कजिन्स की इकट्ठी होती है कि नहीं मेरे घर में ना इनकी बुआ जी आएंगी, मेरी नंदो का करना है यू नो, और हंस के करती है वो, उसके मन में कोई मलाल नहीं है तो। लेकिन फिर भी देखो पारुल ने तुम्हारे सेशन अटेंड किए हैं, ये मुझे बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और जब भी इसका सुनती हूँ मुझे फर्क पड़ रहा है। तो सपना वाकई तुमने मेरे घर के तो दो घर तो सुधार ही दिए, एक नीरू का एक पारुल का। नहीं होती ये बहुत नहीं, सपना जरिया बनते हैं और आई एम वेरी हैप्पी, मुझे बहुत ही अच्छा लग। थैंक यू। जब मैं यहाँ बैठती हूँ ना करने के लिए, तो मैं ये बोल के बैठती हूँ उस ईश्वर को कि मैं सिर्फ निमित्त हूँ और मेरे थ्रू सही बात निकलवा दीजिएगा, जिससे उनकी और मेरी दोनों की लाइफ ठीक हो जाए। दैट्स ऑल, यही सोच के यही निमित्त बन के हम कर सकते हैं। देखो मैनिफेस्टेशन क्या होता है, पारुल एक बार मेरे घर आई, ये बहुत परेशान थी किसी बात से, तो मैंने कहा मैं सोचती हूँ कि तुमको कौन ठीक दिशा दिखा सकता है। और ये आई थिंक पारुल इट्स नॉट बीइंग वन ईयर इवन, तो और एकदम से भगवान ने तुम्हें भेज दिया। I'm really happy. And Paru, thank you. Because of you, I get an opportunity. Because of everybody. क्योंकि देखिए कोई सीखा साखा कुछ नहीं है हम सबकी, अभी मैं यहाँ से उठूंगी फिर किसी ना किसी प्रॉब्लम में गिर जाऊंगी, यही गृहस्थ जीवन है। तो हम सब एक दूसरे को संभालते हुए कुछ अच्छा सीखते हुए कुछ अच्छा करते हुए, नहीं तो यही एक घंटा हम व्हाट्सएप या फेसबुक पे या कुछ ना कुछ ऐसे अनर्गल कर रहे होते है ना, तो यही हमें है समय निकाल के हमें अपने आप को हमारी लाइफ को अच्छा डायरेक्शन देना है। अब बच गए हैं 5 और मैं कल का सेशन नहीं लेना चाहती, मुझे बहुत सारे काम अपने पेंडिंग है, मुझे रोटरी वालों ने इन्वाइट करा है सेशन के लिए, मुझे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है। अब मंडे को मिलेंगे 4 बजे, ठीक है जी, मंडे को 4 o'clock। छुट्टी, 2 दिन प्रैक्टिस करना है सबको, जितने भी सेशंस हैं आप लोग लिख नहीं रहे तो आपको लिखना चाहिए। और पता है अगर अभी आप 10 मिनट लेके अपने साथ बैठो और जो भी पॉइंट आपके जहन में आ रहे हैं वही आपके टेकअवे पॉइंट है, उनको आप लिख लो। हमारी टीचर यही कहती थी, जब क्लास खत्म हो जाती है ना किसी से बात मत करो कुछ मत, बस 10 मिनट बैठो और लिखो, ठीक है। तो आप लोग वो कर लो और प्रैक्टिस कर लो। अब मंडे को मिलेंगे 4 o'clock। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ, थैंक यू।